छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जैसा कि आपने देखा है, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने अमित जोगी, जनता कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। बीएसपी ने गठबंधित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 6 सीटें जो बीएसपी को मिली है, उन 6 सीटों पर मायावती जी ने मंगलवार 11 तारीख को अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीएसपी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने यह घोषणा की है। तो पहला नाम है गौरव रत्नाकर, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश जांजगीर चंपा की उम्मीदवारी दी है, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में जांजगीर चंपा जिले में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो दावराम रत्नाकर को जांजगीर चंपा की उम्मीदवारी दी है। रत्नाकर जांजगीर चंपा से अपना चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नाम है आदिवासी नेता आयथुराम मंडावी, जो कि 2009 के आम चुनाव में वहां से चुनाव हार चुके, फिर भी उन्हें बस्तर में फिर से चुनाव लड़ने का एक मौका बीएसपी ने दिया है। तीसरा सुबह सिंह दुर्वे एसटी, ये कांकेर जिले के मकरटोला पंचायत के सरपंच है, तो इन्हें कांकेर की उम्मीदवारी दी है। तो सुबह सिंह दुर्वे कांकेर से चुनाव लड़ेंगे। चौथा नाम है माया भगत, जो कि सुगुर्जा से चुनाव लड़ेंगे, जो कि 2018 को विधानसभा चुनाव में लुंड्रा से हार गए थे। पांचवा नाम है मासूम कुंजूर एसटी, ये रायगढ़ से अपना चुनाव लड़ेंगे। और छठवां नाम है गीतांजलि सिंह, ये दुर्ग से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि हमने बताया है, अजीत जोगी के नेतृत्व वाली पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में गठबंधन किया है। तो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कहा है, बाकी 5 सीटें जो जनता कांग्रेस के पाले में है, उन्होंने वो 5 सीटें अभी तक फैसला नहीं किया है। 21 मार्च के बाद उन 5 सीटों के उम्मीदवारों के बारे में फैसला किया जाएगा। फिर अमित जोगी ने कहा कि जनता कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन अटूट है, वो कायम रहेगा, हमारा गठबंधन अटूट रहेगा। तो 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ अपने 11 संसदीय क्षेत्र के 3 चरणों में मतदान करेगा। बस्तर एसटी निर्वाचन क्षेत्र पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि कांकेर एसटी राजनांदगांव और महासमुंद दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। 7 लोकसभा सीटें अर्थात सुगुर्जा एसटी, रायगढ़ एसटी, जांजगीर चंपा एसटी, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, यहाँ पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। हम आपको बता दें कि 2014 के आम चुनाव में 10 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आज के लिए इतना ही। जय भीम। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।